वन नेशन वन इलेक्शन, ये एक ऐसा टॉपिक था जिसको लेकर पूरे देश में चर्चाओं का माहौल गर्म था। इस बीच मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब केंद्रीय कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई। ऐसे में अब ये मामला दो गुटों में बंट गया है, जहां एक तरफ बीजेपी के साथ मायावती इसका समर्थन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। दरअसल पिछले कई समय से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने की बात पर बीजेपी इसके फायदे गिना रही थी। पार्टी का इस पूरे मामले पर कहना था कि देश में बार बार चुनाव कराने पर लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और जनशक्ति समेत कई चीजों पर बहुत पैसा खर्च होता है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल खर्च करीब 1.35 लाख करोड़ रुपए तक हुआ है, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में बहुत अधिक है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने पर चुनाव खर्च में कमी आएगी। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण और विकास कार्यों में रुकावट आती है। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू होती है तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक कार्यों में भी तेजी आएगी। कुल मिलाकर बीजेपी के हिसाब से ये एक विकसित भारत की ओर नायाब कदम है। मायावती ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करते हुए कहा है कि एक देश एक चुनाव कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने पर उनकी पार्टी का रुख सकारात्मक है, लेकिन मायावती का मानना है कि इस फैसले का उद्देश्य देश व जनहित में होना जरूरी है। वहीं विरोधी दलों की बात करें तो कांग्रेस इसका मुख्य रूप से विरोध कर रही है। उसके साथ ही सपा का भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यही डिमांड है। कांग्रेस और सपा ने इसे असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी करार दिया है। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय दल को डर है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख हो जाएंगे और वे स्थानीय मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा नहीं पाएंगे, जो कि स्वाभाविक इसी बात से है। चलिए अब आप भी हमें कमेंट करके बताइए, आखिर देश में एक बार में चुनाव होने से फायदा होगा या नुकसान। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।